गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन काफी इजी टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाने के इसके चांसेस भी बहुत हाई हैं और काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है। देखा जाए तो छोटी सी मेहनत करेंगे आप, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 1.5 घंटे का टाइम डिवोट करेंगे, 5 मार्क्स तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला रिविजन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले, उसके बाद एमएम अप्रोच देखेंगे एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है बेटा टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। आप इसे नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर भी कह सकते हैं। टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, या फिर नेट इनकम भी कहा जा सकता है। पे आउट रेशियो, पे आउट मतलब आपकी अर्निंग में से कितने प्रतिशत आपने पे किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अर्निंग पर शेयर है 10 और आपने इसमें पे किया है बेटा लेट से 7 रुपीज, तो पे आउट रेशियो कितना हो गया? 70% हो गया। कैसे निकला? ये 7 रुपए डिविडेंड है, 10 रुपए अर्निंग है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो मतलब 1 माइनस पे आउट रेशियो। अगर आपका पे आउट रेशियो 70% है, इट सिंपली मीन्स आपका रिटेंशन रेशियो 30% है। कहाँ गया? 1 माइनस पे आउट रेशियो। नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड रेट, बेटा डिविडेंड रेट और डिविडेंड यील्ड में फर्क होता है। रेट जब भी बोलते हैं तो फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यील्ड जब भी बोलते हैं मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो डिविडेंड रेट कितना आएगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इंटू 100। और यील्ड कैसे आएगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100। अच्छा, ग्रोथ का एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ग्रोथ का फॉर्मूला 7 स्टेप CAGR के हिसाब से हमने निकालना सीखा। ग्रोथ का एक और फॉर्मूला है जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, वेयर बी इज द रिटेंशन रेशियो विच इज 1 माइनस पे आउट रेशियो एंड आर इज रेट ऑफ रिटर्न। तो ग्रोथ का फॉर्मूला है जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। अच्छा, पीई रेशियो, देखिए कई कई जगह इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/KE इज इक्वल्स टू पीई रेशियो, या फिर 1/PE रेशियो इज इक्वल्स टू KE, आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। समझ में आई आपको मेरी बात? समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में वॉल्टर मॉडल देखने को मिलेगा। वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है? वॉल्टर मॉडल बोलता है भैया प्राइस इज इक्वल्स टू डी, दैट इज डिविडेंड, प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के द होल डिवाइडेड बाय के। सबसे पहले तो आपको डिविडेंड लेना है, फिर उसके बाद ई माइनस डी। ई माइनस डी मतलब अर्निंग माइनस डिविडेंड, मतलब जितना आपने रिटेन किया उसको आर की रेट से ग्रो करेंगे, डिस्काउंट करेंगे केई से, और सभी चीज को बेटा डिस्काउंट करेंगे आप केई के रेट से। ठीक है जी, तो बेटा यहां पर आपको कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करके मिलती है। कंक्लूजन ये है, इफ आर इज ग्रेटर देन केई, आपका जो पे आउट होना चाहिए, ऑप्टिमम पे आउट होना चाहिए, वो होना चाहिए 0%। इफ आर इज लेस देन केई, आपका ऑप्टिमम जो पे आउट होना चाहिए वो होना चाहिए 100% या फिर मैक्सिमम। एंड इफ आर इज इक्वल्स टू केई, एनी पे आउट, सभी पे आउट यहाँ पर ऑप्टिमम है। बात समझ में आ रही है आपको? सो वॉल्टर मॉडल के हिसाब से बेटा d प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के द होल डिवाइडेड बाय के। सर एक सवाल आता है, ये जो d है ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है या पेड डिविडेंड है? बेटा एक्सपेक्टेड डिविडेंड लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिविडेंड डिसीजन, डिसीजन मतलब कितना पे करना है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। अब यहाँ पर होता क्या है, आपको ना क्वेश्चन में डी दे देते हैं, आपको क्वेश्चन में ई दे देते हैं, आर दे देते हैं, के ई दे देते हैं, या फिर आपको फाइंड करना पड़ता है, व्हाट एवर एज द केस में भी, और बोलते हैं वॉल्टर मॉडल लगाओ। बच्चा बोलता है आर इज ग्रेटर देन के ई, मैं तो पे आउट करूंगा ही नहीं, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका अर्निंग है 10, डिविडेंड है 7, आर की वैल्यू है 12%, के ई की वैल्यू 10% है। कहा जाता है क्वेश्चन में वॉल्टर मॉडल लगाइए, अगर क्वेश्चन कह रहा है वॉल्टर मॉडल लगाइए तो लगाइए, अगर वो आपसे पूछ रहा है कंक्लूजन और कंक्लूजन के हिसाब से प्राइस, तो फिर आपको वो भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्लियरली डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के ई द होल डिवाइडेड बाय के ई करना पड़ेगा।
जो भी आंसर आता है, बताइए कितना आंसर आ रहा है, 3 × 1.2 + 7 / 10%, आपका आंसर आ जाएगा 106। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप बताइए वॉल्टर के हिसाब से कितना पे आउट होना चाहिए और उस पर प्राइस क्या, तो आप बोलेंगे पे आउट होना चाहिए 0 और प्राइस कितना हो जाएगा, D + E - D × R / K 120। मतलब प्राइस 120 हो सकता है, पर जब कंपनी डिसाइड कर चुकी है कि उसको ये करना है तो फिर आप उसके हिसाब से प्राइस निकाल के बताएं। नेक्स्ट कम्स गॉर्डन मॉडल। सर गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है? गॉर्डन मॉडल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा है के इज इक्वल्स टू D1/P0 × 100 + G। अब ये इंटू 100 को मैं हटा देता हूं, ठीक है, तो परसेंटेज में निकालना था इसलिए। अब मैं क्या करूंगा, G को इस साइड भेजूंगा तो मुझे मिल जाएगा KE - G, ब्रैकेट में ले लेता हूं, इज इक्वल्स टू D1/P0। तो कहना है से P0 = D1/KE - G, जहां पर D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, और G का मतलब है ग्रोथ। तो ये देखिए फॉर्मूला आ गया D1/KE - G, D1 को D0 × 1 + G लिख सकते हैं। यहां पर भी कंक्लूजन सेम है, इफ R इज ग्रेटर देन KE, आप बेटा एकदम मिनिमम पे आउट रखो, जीरो मत रखिए, मिनिमम रखिए। क्यों सर जीरो क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर आप गॉर्डन के फॉर्मूले में, गॉर्डन का फॉर्मूला देखिए, गॉर्डन के फॉर्मूले में अगर आप बोल रहे हैं R इज ग्रेटर देन KE, पे आउट रेशियो जीरो कर दीजिए, तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम वर्ड यूज किया है। अच्छा, इफ R इज लेस तो मैक्सिमम पे आउट, तो 100% पे आउट कर दो, तो हम यहां पर जीरो और 100% की जगह मिनिमम मैक्सिमम यूज करेंगे। एंड इफ R इज इक्वल टू KE, भैया कोई भी पे आउट ऑप्टिमम पे आउट आ जाएगा। बात समझ में आई? तो दोनों की कंक्लूजन सेम है, पहला वाला बोलता है आर इज ग्रेटर तो कुछ मत पे करो जीरो, लेकिन गॉर्डन बोलता है मिनिमम पे करो, आर इज लेस ये बोलता है 100% पे करो, ये बोलता है मैक्सिमम पे करो, इफ आर इज ग्रेटर सॉरी आर इज इक्वल टू एनी पे आउट इज ऑप्टिमम पे आउट। अब लास्ट है MM अप्रोच। MM अप्रोच इज इंडिफरेंट अप्रोच। ये अप्रोच क्या बोलता है कि आप कितना भी डिविडेंड दीजिए, अरे डिविडेंड मत भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फर्म की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। तीन स्टेप आपको फॉलो करना है, एक बार आपको डिविडेंड पे करके दिखाना है, एक बार आपको डिविडेंड पे नहीं करना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे P0। बेटा आज का जो प्राइस है वो एक साल के बाद का प्राइस और एक साल बाद के मिलने वाले डिविडेंड का डिस्काउंटेड प्राइस है 1 + K। तो भैया आज का प्राइस कितना होगा? सर आप एक साल बाद का प्राइस लो, लेट से 110, और एक साल बाद आपको डिविडेंड मिलने वाला है लेट से 40 रुपए, बहुत ज्यादा बोल दिया, इसको डिस्काउंट करो, लेट से डिस्काउंटिंग रेट है 20%, तो इसे 20% से डिस्काउंट करेंगे तो 150 / 1.2 हमारा आंसर आ जाएगा 125। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आज का दाम आपका 125 होना चाहिए, आज का दाम आपका कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए। चलो 40 तो मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया, समझ गए? तो आज का दाम कैसे आएगा, अगले साल का प्राइस और अगले साल के मिलने वाले डिविडेंड को आप डिस्काउंट करिए, एक साल बाद के कैश फ्लोज है ना, अगले साल P1 और D1 मिलने वाला है, उसको डिस्काउंट करेंगे। बेटा यहां से हमको क्या मिल के आएगा, यहां से हमको P1 मिलेगा, क्वेश्चन में आपको P0 दिया रहेगा, P1 मिल जाएगा इस इक्वेशन से, D1 भी दिया रहेगा और KE भी दे रखा रहेगा, तो यहां से हमको P1 मिल जाएगा। अब यहां पर अजम्पशन होता है कि कंपनी एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेगी, तो हमें निकालने हैं एडिशनल शेयर्स। एडिशनल शेयर्स क्यों? क्योंकि कंपनी करेगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो आपको एडिशनल शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो एडिशनल शेयर कितने इशू करने हैं सर? जितने की इन्वेस्टमेंट करनी है। पर सर रुकिए, आपके पास कुछ अर्निंग पर शेयर भी पड़ा होगा, उसमें से आपने कुछ डिविडेंड भी दिया होगा इनटू नंबर ऑफ शेयर, मतलब 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेट से आपको करनी है, तो अर्निंग में से डिविडेंड देने के बाद जो बचा उतना पैसा तो पड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका अर्निंग है टोटल 1 लाख, ठीक है, आपने डिविडेंड दिया 50,000, आपके पास नंबर ऑफ शेयर है 10,000, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 1 लाख में से आपने 50,000 दे दिया, आपके पास 50,000 रुपए बचा हुआ। अब कंपनी को अगर 2 लाख रुपए इशू करने तो नए कितने पैसे लाने पड़ेंगे? नए मात्र 1.5 लाख लाने पड़ेंगे। वो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जरा देखिए कैसे, 2 लाख माइनस
अर्निंग पर शेयर 10, डिविडेंड पर शेयर 5 इंटू 10,000। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 लाख माइनस 5 इंटू 10,000, दैट इज 50,000। आपको 1.5 लाख इश्यू करने पड़ेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको आय इतने अमाउंट का पैसा चाहिए। आय माइनस कितना आपके पड़ा है, ई माइनस डी इंटू एन, इतना हमारे पास पड़ा है। इतने पैसे चाहिए। इतने पैसे कैसे लाओगे, इक्विटी शेयर इशू करके। कब लाओगे, अगले साल, तो अगले साल के प्राइस से डिवाइड करो, है ना। आपको 1.5 लाख चाहिए तो अगले साल कितने में इशू करोगे, P1 पे इशू करोगे। अब हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, एन प्लस डेल्टा एन इंटू P1। बेटा फर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ शेयर इंटू इट्स प्राइस, प्लस ई माइनस आय, प्लस अर्निंग जो आपके पास पड़ी रहेगी, माइनस जो आपका आउटफ्लो होने वाला है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। क्यों, क्योंकि देखिए P1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले साल का प्राइस मिलेगा आपको, उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K। फिर हम निकालेंगे एडिशनल नंबर ऑफ शेयर, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू आई माइनस ई माइनस डी इंटू एन डिवाइडेड बाय P1। और वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे एन प्लस डेल्टा एन इंटू P1 प्लस ई माइनस आई अपॉन 1 प्लस K। आपको ये प्रोसीजर 2 बार परफॉर्म करना है, एक बार जब आप डिविडेंड लेंगे 0, और एक बार जो अमाउंट दिया रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है, चलिए इसे फटाफट खत्म करते हैं। ओके, पहला वाला क्वेश्चन ही एमएम अप्रोच का है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से रीड करता है, साइड में सॉल्व करता हूँ। एम लिमिटेड बिलोंग टू अ रिस्क क्लास फॉर विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। बेटा KE की वैल्यू दे रखी है 10% कैपिटलाइजेशन रेट, यानी कि वही कॉस्ट। इट हैज 25,000 शेयर आउटस्टैंडिंग, N की वैल्यू दे रखी है 25,000, एंड द करंट प्राइस P0 दे रखा है। बच्चों आपको सारी जानकारी दे रखी है। इट एक्सपेक्ट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,50,000 फॉर द ईयर एंड बोर्ड इज कंसिडरिंग डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर। बच्चा पार्टी यहाँ पर देखिए, आपके पास अर्निंग कितनी है, 2,50,000, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 25,000। क्या मैं कह सकता हूँ अर्निंग पर शेयर 10 है, और डिविडेंड कितना प्रपोज करने की बात करिए, 5 रुपए। एम लिमिटेड रिक्वायर्ड टू रेस 5 लाख, ये आय की वैल्यू दे रखी है, फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। शो हाउ एमएम अप्रोच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड इफ डिविडेंड आर पेड एंड नॉट। तो आपको एक बार ना डिविडेंड 5 रुपए का पे करके दिखाना है, एक बार डिविडेंड 0 पे करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं, व्हेन डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज इज पेड। स्टेप वन लगाएंगे, हम बोलेंगे P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। बेटा हमको P0 तो दे रखा है, P0 कितना दे रखा है सर, आज का प्राइस दे रखा है 100। P1 पता नहीं, पर सर D 5 रुपए देने की बात करिए, 1 प्लस K यानी कि 1.1। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.1, इसको 100 को मल्टीप्लाई करके 110 हो जाएगा, -5, तो आपको P1 इज इक्वल्स टू 105 मिल जाएगा। अब सेकेंड स्टेप, डेल्टा एन कैसे निकलेगा, आई माइनस ई माइनस टी इंटू एन अपॉन P1। आई है 2,50,000 आपको चाहिए, 10 माइनस 5 इंटू 25,000 इतने आपके पास पड़े हैं, डिवाइडेड बाय 105 कितना आएगा। देखिए ना, 5 रुपए पर शेयर आप डिविडेंड दे रहे हो, यानी कि 1,25,000 का डिविडेंड दे रहे हो, तो 1,25,000 पड़े रहेंगे आपके पास, क्योंकि 2,50,000 अर्निंग है, 1,50,000 पे कर रहे, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट हो गया, 1,25,000।
आप शेयर इश्यू करेंगे 1190.4761। सर शेयर डेसिमल्स में इशू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पर हम यहाँ पर डेसिमल में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि अगर डेसिमल में हो तो इतनी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे क्यों होगी, क्योंकि शेयर्स हम डेसिमल्स में इशू नहीं कर सकते, पर अगर हम डेसिमल्स को भी कंसिडर करें तो एग्जैक्ट वैल्यू सेम आएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब मुझे बताइए वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, एन प्लस डेल्टा एन इंटू पी वन प्लस ई माइनस आई अपॉन वन प्लस के। देखिए मेरे पास डेल्टा एन की वैल्यू है 125,000 डिवाइडेड बाय 105, एन की भी वैल्यू है 25,000, पी वन की भी वैल्यू है, पी वन की वैल्यू कितनी है इंटू 105 प्लस 250,000। ओह ये गलत हो गया, ये 5,00,000 है, 5,00,000 चाहिए। ये आ जाएगा 3571.42। ठीक है, तो कैलकुलेटर में डेल्टा एन आ गया, इसमें 25,000 ऐड किए इंटू 105 किया प्लस 2,50,000 माइनस 5,00,000 डिवाइडेड बाय 1.1 किया, मेरा आंसर आ रहा है एग्जैक्ट 25,00,000, इसलिए मैंने डेसिमल भी ले लिया। क्या करना चाहिए, जैसे ही आपके कैलकुलेटर में डेल्टा एन आ जाए तो फॉर्मूले में डेल्टा एन तो आ गया, उसमें ऐड करिए एन 25,000, पी वन से मल्टीप्लाई करिए प्लस 2,50,000 माइनस 5,00,000 डिवाइडेड बाय 1.1 आंसर आ जाएगा। अब बस मुझे सेम स्टेप फॉलो करनी है जब मैं डिविडेंड जीरो पे कर रहा हूँ, फिर से करना पड़ेगा, नीचे करिएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा पी जीरो इज इक्वल्स टू पी वन प्लस डी डिवाइडेड बाय के, वन प्लस के, तो पी वन की वैल्यू आ जाएगी 110। अब मैं डेल्टा एन निकालूंगा, डेल्टा एन निकलेगा 5,00,000 माइनस 10 माइनस 0 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाय 110, कितना आएगा, यह आएगा 2272.72। कैलकुलेटर में इतना पूरा रहने दो, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे n प्लस डेल्टा n इंटू पी वन प्लस ई माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस। आंसर एग्जैक्ट 25,00,000 आ रहा है। तो एमएम अप्रोच ने ये प्रूव कर दिया कि आप डिविडेंड पे करो या ना करो, आपके फर्म की वैल्यू उतनी ही आती है। अजम्पशन है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, अर्निंग दे रखी है 2,00,000 रुपए की, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं 20,000, तो ये 20,000 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से टोटल कैपिटल कितना हो गया, टोटल कैपिटल हो गया 20,00,000 रुपए। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, 100 रुपए के शेयर है तो इक्विटी कैपिटल 20,000 इंटू 100 20,00,000 हो गया। डिविडेंड पेड है 1,50,000। अच्छा मुझे बताइए डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल्स टू 7.5 पर शेयर। आपको पी रेशो दे रखा है, पी रेशो का फॉर्मूला प्राइस अपॉन अर्निंग इज इक्वल्स टू 12.5 दे रखा है, फाइन। अब ये क्या बोल रहे हैं, अप्लाइंग वॉल्टर मॉडल एसर्टन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और नॉट।
कंपनी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है या नहीं, ये कैसे पता चलता है आर एंड केई को कंपेयर करके। इस क्वेश्चन में मुझे आर भी नहीं दे रखा है, केई भी नहीं दे रखा है। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, वो प्राप्त किया जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी है 2 लाख रुपए और कंपनी का कैपिटल कितना है 20 लाख रुपए। ध्यान से देखिए, मैंने इंफॉर्मेशन जो दे रखी उसे ही यूज किया, हिंट भी आपको मिल जाएगा। 20 लाख दे रखा है, 2 लाख दे रखा है, ऐसे समझ सकते थे। तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10%। और केई, केई को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हम यहाँ पर, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, केई इज इक्वल टू 1/P/रेशो। ठीक है जी, तो केई इज इक्वल टू 1/12.5, तो 1/12.5 ये हो जाएगा 8%। सिंस हम बोलेंगे आर इज ग्रेटर देन केई, दैट इज 10% इज ग्रेटर देन 8%, ऑप्टिमम पे आउट कितना होना चाहिए था, ऑप्टिमम पे आउट होना चाहिए था 0 और आप तो पे कर रहे हो, तो आपका पे आउट पॉलिसी गलत है। सर्टन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, द आंसर इज नो। बस आप डायरेक्टली नो नहीं बोल सकते, आपको आर भी निकालना पड़ता था 10%, केई भी निकालना पड़ता था 8%, कंक्लूड करना पड़ता था और फिर आपका आंसर आता। फाइंड आउट व्हाट शुड बी पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ शेयर। ये बोल रहे पी रेशियो खोज के बताओ जिसके कारण कंपनी के शेयर पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो मैं आपको कहूंगा कि कंपनी के शेयर्स पर अगर आपको इंपैक्ट नहीं चाहिए पे आउट रेशियो का, तो वो एक ही केस में पॉसिबल है, आर इज इक्वल्स टू के। अगर आर और के इक्वल है तो आप कोई भी पे आउट दे दो, उससे कंपनी के शेयर प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आर ज्यादा है तो पे आउट 0 रखिए, आर कम है पे आउट 100% रखिए। ये बोल रहे ऐसा पी रेशो खोज के निकालो जहां पे डिविडेंड पॉलिसी का यानी कि पे आउट पॉलिसी का कोई इंपैक्ट नहीं। वो तो सर तभी पॉसिबल है व्हेन आर इज इक्वल टू के। अभी हमारा आर कितना है 10% है, उसे तो चेंज कर नहीं सकते। देयरफॉर हमारा केई कितना हो जाना चाहिए, केई भी 10% होना चाहिए। अब हम बोलेंगे 1/KEI इज इक्वल टू पी रेशो, दैट इज 1/10% इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू पी रेशो। आप समझ रहे, अगर आपका पी रेशो 10 है तो 1/10 × 100 10% हो जाएगा केई, और अगर केई भी 10% है, आर भी 10% है, तो ऐसे समय डिविडेंड पॉलिसी का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। पी रेशो 8 है, अगर पी रेशो 8 है तो ध्यान से देखिएगा, पी रेशो 8 है तो आपका केई हो जाएगा 12.5%, और अगर केई इज ग्रेटर देन आर, आपका पे आउट होना चाहिए 100%। समझ रहे हैं? देखिए रफ में भी इतना सॉल्व करना पड़ा, जब इसे फेयर में सॉल्व करेंगे 1.5 पेज से ज्यादा बड़ा आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा अगला वाला। ठीक, द ईपीएस ऑफ कंपनी इज 8, कंपनी का ईपीएस कितना है 8, फाइन, और कैपिटलाइजेशन रेट केई दे रखा है 10%। ओके, द कंपनी इज evaluating the proposal of 25%, 50% and 75% payout. 25% यानी कि 2 रुपया, 50% यानी कि 4 रुपया और 75% यानी 6 रुपया। Under various condition where the productivity of retained earning is
वेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज, मतलब ये क्या दे रखा है आपको, आर दे रखा है, आर दे रखे हैं। ऑल्सो ड्रॉ कंक्लूजन, यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द गिवन सिनेरियो यूजिंग वॉल्टर, आपको वॉल्टर लगाना है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि यहां पर आपके पास डी अलग अलग है, तीन बार डी है और तीन अलग अलग आर है, तो आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। लेट्स मेक दिस मैट्रिक्स, हाउ इट विल लुक। देखिए फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस टी इंटू आर अपॉन की द होल डिवाइडेड बाई की। अब डी आपका तीन सिचुएशन में चेंज होगा, दो रहेगा, चार रहेगा, छह रहेगा, और बेटा आपका आर भी चेंज हो रहा है, तो एक बार आपको ₹2 लेने हैं और आपको 15% आर के हिसाब से सॉल्व करना है, 10% आर के हिसाब से और 5% आर के हिसाब से। एक बार आपको ₹4 का अर्निंग लेना है और 15% रिटेन्ड अर्निंग, 10% रिटेन्ड अर्निंग और आपका ये क्या बोलते हैं 5% और 6% लेके भी सॉल्व करके दिखाना है और कंक्लूड करके दिखाना है वॉल्टर के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, मैट्रिक्स तो बनाएंगे हम, टेबल तो बनाएंगे, बट यू डू वन थिंग, आप फॉर्मूला एक बार ऊपर लिख लीजिए, आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फिर डायरेक्टली हम टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पर्टिकुलर पर्टिकुलर, मैं यहां पर लेता हूं अर्निंग पर शेयर 2, अर्निंग पर शेयर 4, अर्निंग पर शेयर 6, बराबर है। और मैं यहां पर तीन अलग अलग आर लेता हूं, आर एक बार 15% लेता हूं, आर एक बार 10% लेता हूं, आर एक बार 5% लेता हूं। तो बताइए पहले सिनेरियो में आंसर कितना आएगा, 2 प्लस, सॉरी ईपीएस नहीं है, डीपीएस है, टू प्लस 8 माइनस 2 इंटू आर अपॉन के द होल डिवाइडेड बाय के। दूसरे केस में 4 प्लस 8 माइनस 4 इंटू आर अपॉन के द होल डिवाइडेड बाय के, डी प्लस ई माइनस टी इंटू आर अपॉन के द होल डिवाइडेड बाय के, बताइए कितना आंसर आता है। सर ये आ जाएगा 6, 6, 9, 9, 10, 11, 110। सर ये आ जाएगा 4, 6, 100, ये आ जाएगा 2, 3, 90। कैसे किया वो छोड़िए, मैंने कैसे किया वो छोड़िए। सो बेटा देखिए आपका के ई कितना है, के ई है 10%, आर कितना है 15%, तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, आपने पे आउट जीरो या लोएस्ट रखना चाहिए और वो दिख ही रहा है लोएस्ट पे आउट पे हाईएस्ट आ रहा है। अब आर भी 10% है, के ई भी 10% रहेगा, सब जगह आंसर सेम आएगा। ठीक है यहां पर देखिए, टेन परसेंट लेना है, आपका आंसर कितना आएगा, सर आपका आंसर आएगा 80, हर जगह आपका आंसर आएगा 80 80 80। एंड व्हेन आर इज लेस तो आपका पे आउट 100% होना चाहिए, 100% नहीं भी तो मैक्सिमम तो होना ही चाहिए। जरा ध्यान दीजिए कितना बचेगा, 6, 6 का हाफ 3, 50, 4, 4 का हाफ 2, 60, 70। कंक्लूजन यही थी, इफ आर इज ग्रेटर देन के मिनिमम पे आउट या फिर जीरो पे आउट, इसलिए यहां पर हाईएस्ट आ रहा है इन तीनों में से। एंड इफ आर इज इक्वल्स टू के
तो भैया कोई भी पे आउट कर दीजिए चलेगा, इफ आर इज लेस मैक्सिमम पे आउट करिए, ये है कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना भाई? ठीक है, हमारे टॉपिक अभी हो ही जाएगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी बाय यूजिंग वॉल्टर मॉडल एंड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वॉल्टर भी लगाना है और डिविडेंड ग्रोथ है ना गॉर्डन भी लगाना है। तो देखिए, आपको डीपीएस दे रखा है, आपको ईपीएस भी दे रखा है, आप लोगों का पे आउट रेशियो जो है वो 60% आ जाएगा, तो रिटेंशन 40 हो जाएगा। कैसे सर? डिविडेंड अगर 6 दे रहा है 10 रुपए के ईपीएस में से, यानी 60% पे आउट, 40% रिटेंशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी यहाँ पे के, और यहाँ पे आर दे रखा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है। देखिए फॉर्मूला लग पाएगा क्या? डी प्लस ई माइनस टी इंटू आर अपॉन के द होल डिवाइडेड बाय के, यहां तो लग जाएगा। और सर दूसरे केस में वॉल्टर तो हो गया, गॉर्डन के केस में, गॉर्डन के केस में प्राइस इज इक्वल टू डी वन अपॉन के माइनस जी। तो सर डी वन दे रखा है, हाँ सर डिविडेंड दे रखा है 6, के दे रखा है सर, दे रखा है 20%, और जी कैसे निकलेगा? जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, बी कितना है, रिटेंशन रेशियो कितना है 40%, और आर कितना है 25%, तो आपका जी हो जाएगा 10%। सिक्सटी आंसर आएगा। और यहाँ 55 आएगा। ठीक है, चल रहा है रिकॉर्डिंग, चल रहा है। ओके, यहां पर बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शेयर ऑफ बजरंगी लिमिटेड आर कोटेड एट पी ऑफ 7.5। आपको पी दे रखा है 7.5, रिटेंशन रेशियो 37.5% है, विच इज 3। देखिए रिटेंशन रेशियो 37.5% है जिसकी वैल्यू 3 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा 8। तो कहना है से आपका अर्निंग पर शेयर 8 है, जिसमें से आप 37.5% रिटेन कर रहे हो, विच इज 3 रुपीज, मतलब 62.5% पे कर रहे हो, विच इज 5 रुपीज। तो देखिए मेरा अर्निंग आ जाएगा 10 रुपया, सॉरी 8 रुपया, मेरा अर्निंग आ जाएगा 8, मेरा डी आ जाएगा 5, और मेरा रिटेंशन अमाउंट आ जाएगा 3 रुपया। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ ग्रोथ इज 12%। अभी इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना, नहीं समझ में आ रहा फॉर्मूला कहाँ यूज करना, कौन सा यूज करना, पर क्योंकि ग्रोथ वर्ड यूज कर रखा है इसलिए हम गॉर्डन यूज करेंगे। गॉर्डन के हिसाब से प्राइस इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के माइनस जी। मेरा डी वन कितना है? 5 रुपया। मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो 5 रुपए ने डी वन है, इसे ग्रो करने की अगेन जरूरत नहीं है। के कितना दे रखा है? के तो नहीं दे रखा है सर, हमें वही तो निकालना है। ठीक है, के नहीं पता सर। जी कितना दे रखा है? जी तो निकाल सकते हैं, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, बी यानी कि रिटेंशन रेशियो 37.5%, और आर कितना दे रखा है आप लोगों को? सर सीधा ग्रोथ ही दे रखी है ना, बात खत्म, सीधा ग्रोथ दे रखी है, बात खत्म। सर यहाँ पे तो दो दो मिसिंग चीजें हैं। अब देखो उन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए बोला है, क्या हम प्राइस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पी रेशो 1/P रेशो इज इक्वल्स टू, सॉरी 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 ये वाला नहीं बेटा, पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग। कितना दे रखा है? 7.5। वापस से बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या क्या बता रहे हो। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पी रेशो दे रखा है 7.5 टाइम्स,
रिटेंशन रेशियो 37.5% है, 37.5% की वैल्यू 3 रुपए है, तो बेटा 62.5% पे आउट रेशियो होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो भैया रिटेन किया 3 रुपए, पे किया 5 रुपए, तो टोटल अर्निंग कितनी आ गई 8। अब मैं बोलूंगा पी रेशियो, पी रेशियो का फॉर्मूला प्राइस अपॉन अर्निंग, 8 दे रखा है, अर्निंग इज इक्वल टू 7.5, ये हो जाएगा प्राइस हो जाएगा आपका 60 रुपए, तो वो 60 में यहाँ पे पुट करूंगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू के माइनस 12%। सो 5 डिवाइडेड बाय 60 होता है 0.0833, 0.0833 इज इक्वल टू के माइनस 12% को क्या मैं 0.12 बोल सकता हूँ, 0.12 को इधर भेजिए, तो के की वैल्यू हो जाएगी 0.2033, दैट इज 20.33%। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सबसे पहले मेरे को पी रेशियो और अर्निंग की मदद से प्राइस निकालना, फिर मैं फॉर्मूला लगाता, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के माइनस जी, डी वन तो मैंने निकाल लिया 5 रुपए, के मेरे को खोजना है और जी की वैल्यू कितनी है 12% दे रखी है। इफ एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 13%, कैलकुलेट मार्केट प्राइस विद सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रखनी है, सो योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के की वैल्यू विल बी 20.33, ठीक है। अब ग्रोथ रेट है 13%, ग्रोथ रेट है 13%। अब थोड़ा ट्रिकी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, अगर जी की वैल्यू है 13%, बेटा जी तो होता है बी इंटू आर, बराबर है, जी का मतलब होता है बी इंटू आर, तो 13% इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, आर तो कंपनी का कांस्टेंट है, कितना है भैया कंपनी का आर, आर बताया नहीं है सर, ठीक है आर बताया नहीं है, आर निकाल सकते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को ना अच्छे से सॉल्व करते हैं, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, वैसे वेस्ट नहीं होने देते हैं। पहले जितना पार्ट मैंने आपको बता दिया वो मैं आपको लिख के दे देता हूं। मैं बोलूंगा भैया मेरा पी रेशियो है 7.5, ठीक है, रिटेंशन अगर 37.5% है तो पे आउट मेरा 62.5% है, और ये रिटेंशन की वैल्यू 3 रुपए है, तो पे आउट की वैल्यू कितनी आएगी 5 रुपए, तो टोटल अर्निंग पर शेयर क्या मेरा 8 रुपए हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा पी रेशियो दैट इज प्राइस अपॉन अर्निंग इज इक्वल टू 7.5, देयरफॉर प्राइस अपॉन 8 इज इक्वल टू 7.5, देयरफॉर प्राइस इज इक्वल टू 60, ये आ गया मेरा। अब हम बोलेंगे गॉर्डन के हिसाब से पी इज इक्वल टू डी वन अपॉन के माइनस जी, मैं 5 रुपए को डी वन मान रहा हूँ, के मुझे पता नहीं है, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12% इज इक्वल टू 60। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी 20.33%, ये तो मैंने निकाल लिया था। अब ये बोल रहे हैं एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट 13% है, कैलकुलेट मार्केट प्राइस विद सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर से सेम फॉर्म लगाना है, फिर से सेम फॉर्म लगाएंगे बेटा हम लोग। हम बोलेंगे पी इज इक्वल टू डी वन अपॉन के माइनस जी, इनका क्या कहना बनता है, इनका कहना बनता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम होना चाहिए, ये 13% हो जाएगा, आपको प्राइस खोज के निकालना है विद सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहां पर ना दो दो सॉल्यूशन बन सकते हैं, पहला सॉल्यूशन कि डी वन कॉन्स्टेंट है, 5 डिवाइडेड बाय 7.33% आंसर आ जाएगा 68.21। अब इसका एक और प्रोबेबल सॉल्यूशन बन सकता है, कैसे बेटा
बेटा पहले आपकी जी की वैल्यू कितनी थी, 12%। जी कैसे निकलता है, बी इंटू आर बराबर है कि नहीं। ये 12% दे रखा है, ये 37.5% दे रखा है, आर कितना आएगा आपका बेटा, आपका आर आता 32% बराबर है। अब ये जी की वैल्यू बोल रहा है 13%, कैसे निकला होगा सर, अभी भी 13% निकला होगा बी इंटू आर की मदद से। भैया मेरे पास इस बार जो आर है ना, वो आर तो 32% है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बी आपका हो जाएगा 40.625%। देयर फोर पे आउट कितना हो जाएगा, पे आउट हो जाएगा 59.375%, दैट इज 8 रुपए का 59.375%, दैट इज 4.75 रुपीज। तो इसका एक प्रोबेबल सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, 4.75 डिवाइडेड बाय 20.33% माइनस 13%। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पहला मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताया उसमें अजम्पशन क्या लिया गया है कि भैया आपने के ई उतना ही यूज करने के लिए बोला, जी की वैल्यू दे दी है, तो हमने डी वन को उतना ही माना कि डी वन चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा अजम्पशन ये है कि पहले आपका जब ग्रोथ 12% था, उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता रिटेंशन रेशियो 37% होने के कारण आर की वैल्यू 32% आती, आज आपका ग्रोथ 13% है, ठीक है, ग्रोथ 13% है, आर उतना ही है 32%, यानी कि आपने पे आउट कितना किया होगा, आपने पे आउट रेशियो चेंज किया होगा 40.625, तो 8 रुपए का सॉरी, तो पे आउट 59.375 हो जाएगा, क्योंकि रिटेंशन 40.625 है, तो 59.375 हो जाएगा आपका पे आउट, 8 रुपए का 59.375 इज 4.75। अब ये 4.75 को यूज करेंगे सर, क्या सही है, ये दूसरा वाला भी सही है, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इसी तरीके से किया, मैं आपको दिखा दूंगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18% फाइन एंड जी इज 15%, कैलकुलेट मार्केट प्राइस। अब यहां पर भी आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा कि भैया वो 5 रुपया ही है, ठीक है 5 रुपया ही है, 5 डिवाइडेड 3% आंसर आ जाएगा 166.66। जितना पार्ट अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ये इंस्टीट्यूट का गिवन आंसर है, इंस्टीट्यूट ने इतना सॉल्व किया है, ठीक है, यानी कि पहले वाले का आंसर जो है दैट इज 20.33%, दूसरे वाले का आंसर एज पर इंस्टीट्यूट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 68.21, और लास्ट का आंसर आ रहा है 166.66। लेकिन अगेन अगर आप इसे दूसरे तरीके से अदर वे राउंड देखेंगे तो आपका ग्रोथ 15% क्यों आया होगा, 15% क्यों आया होगा, बी इंटू आर, आर तो 32% है, इसका मतलब आपका रिटेंशन 46.875% रहा होगा, मतलब आपका पे आउट 53.125% रहा होगा, यानी कि 4.25 का, तो एक प्रोबेबल आंसर ये भी है 4.25 डिवाइडेड बाय 18% माइनस 15% दैट इज 3%, 141.66, 141.66, ये भी एक प्रोबेबल आंसर है। अदरवाइज 166.66। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा लिंटनर का, पहले ग्राम एंड डॉट का बता दूंगा। ग्राम एंड डॉट अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है, वहां बोलते हैं जो प्राइस है ग्राम एंड डॉट के हिसाब से प्राइस जो है वो है डी प्लस ई बाय थ्री इंटू एम, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि आपका अर्निंग है 7 रुपीज और डिविडेंड है 5 रुपीज, तो हम बोलेंगे 5 प्लस 7 बाय 3 और एक मल्टीप्लायर दे रखा रहता है 10, तो
प्राइस हो जाएगा 73.33। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, डी प्लस ई बाय थ्री इंटू एम, ऊपर मैंने आपको बताया क्यों नहीं वो फॉर्मूला, ये रहा डी प्लस ई बाय थ्री इंटू एम, जहाँ पे डी इज डिविडेंड, ई इज अर्निंग, एम इज अ मल्टीप्लायर। लिंटनर, लिंटनर की मदद से आपको कितना डिविडेंड पे करना है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है डी वन इज इक्वल्स टू, लास्ट ईयर का डिविडेंड तो दो ही दो, डी जीरो प्लस ईपीएस इनटू टारगेट पे आउट माइनस डी जीरो इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर। यानी कि भैया किसी को भी इस साल जो डिविडेंड देना है, पिछले साल जितना डिविडेंड तो दो ही दो, प्लस इस साल की अर्निंग के हिसाब से कितना बनता है। मान लीजिए इस साल की अर्निंग है, पिछले साल आपने पे किया 3 रुपए, इस साल की अर्निंग है आपकी 40 रुपए और टारगेट पे आउट है 50%, यानी इस साल कितना बनता है सर, इस साल 20 रुपए देना बनता है, पूरा का पूरा 20 तो मत दो, उसमें से 3 तो देना ही देना है। तो सर ये ऊपर के 17 का क्या करना है, ऊपर के जो 17 है ना, इसका एक सर्टन परसेंटेज देंगे, लेट्स से 30%। तो 17 का 30% कितना होता है, 5.1 प्लस 3, टोटल 8.1 का डिविडेंड होगा। तो कायदे से क्या कह रही है इक्वेशन कि कितना डिविडेंड देना चाहिए आप लोगों ने। देखिए आपका इस बार का ईपीएस है 40 रुपया, उसका 50% यानी कि 20 रुपया हो रहा है, क्या इतना हैवी डिविडेंड देना चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं। पिछली बार कितना दिया था, 3 रुपए, तो उतना दे ही दो। अब ऊपर के कितने बन रहे हैं सर, ऊपर के 17 रुपए की बात आ रही है, उस 17 का भी एक सर्टन परसेंटेज दे देंगे, लेट से 30% ही देंगे, डिपेंड करता है अगर कंटिन्यूटी होने वाली इतने हैवी अर्निंग पर शेयर में, तो हम ये स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं, अदरवाइज हमें लग रहा है ना ये तो वन टाइम एडजस्टमेंट के कारण इतना हाई ईपीएस आया इसलिए मैंने एडजस्टमेंट कम रेट करी। मतलब देखिए इस साल कायदे से तो बन रहे हैं 20 रुपए, 50% पे आउट से, पिछले साल 3 रुपए दिए थे उतने तो दे नहीं है, मतलब ऊपर के 17 रुपए की कहानी है, इस साल कायदे से इतने बन रहे हैं, 3 रुपए तो दे ही रहे हो, ये तो कहानी बन गई है 17 रुपए की। अब ये 17 रुपए पूरा मत दो, इसका सिर्फ 30% ही दो, यानी इस साल 8 रुपए दो, कायदे से बन रहे थे 20, लेकिन अगले साल कंटिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जो 17 रुपए एक्स्ट्रा बन रहे हैं ना पिछली बार की कंपैरिजन में एक्स्ट्रा बन रहे हैं, पिछली बार तो 3 रुपए ही बने था, इस बार 20 रुपए बन रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 17 रुपए है ना इसका सर्टन परसेंटेज ही देना है, इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। तो डी वन इज इक्वल टू डी जीरो प्लस ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट माइनस डी जीरो इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। यहाँ ध्यान दीजिए, व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर ऑफ एवेंजर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2018 गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको अर्निंग दे रखा है 2018 का, पिछले साल का ईपीएस दे रखा है, तो इस साल का डिविडेंड कितना आएगा, पिछले साल का 1.2 था उतना तो देना ही देना है, अच्छा इस साल का अर्निंग कितना है, 3 रुपया, कितना पे आउट करते हो सर, 60%, यानी क्या इस साल 1.8 देने की बात आ रही है, पिछले साल 1.2 दिया, इस बार ईपीएस इनटू पे आउट 1.8 की बात आ रही है, उसमें से आपने 1.2 तो दे ही दिया था, मतलब दे ही दोगे, मतलब ऊपर के 60 पैसे जो है उनका क्या करना, तो बोलते हैं उसको मल्टीप्लाई करो एडजस्टमेंट फैक्टर से। तो देखो 1.2 तो देना ही देना है, लेकिन इस साल बन रहा है 1.8, तो 1.8 में से 1.2 दे दिया, माइनस कर दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि सर 0.6 एक्स्ट्रा जा रहा है, पूरा का पूरा 0.6 मत दो, उसका सिर्फ 70% दो, टोटल 1.62, तो बन रहा था 1.8, 1.2 तक तो देना था, ऊपर के जो 60 पैसे हैं पूरे के पूरे मत दो, उसका सिर्फ 70% दो, ओके। नेक्स्ट, द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40% इफ द कंपनी फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब ग्राम एंड डॉट,
टू डिविडेंड पॉलिसी विथ मल्टीप्लायर एम, एम की वैल्यू 9 रुपए दे रखी है, 9 टाइम दे रखी है, पी रेशो खोजना है। सो इस फॉर्मूले में कहीं भी पी रेशो थोड़ी दिखा है। ध्यान से देखिए, वो बोलता है प्राइस इज इक्वल्स टू डी प्लस ई बाय 3 इंटू एम। अगर आप इसे बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग पी निकाल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास पी भी है, यहाँ पर आपके पास ई भी है, कैसे तो भी इक्वेशन में पी और ई को साथ में लेकर आओ। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं डी जो है वो 40% है? कैन आई राइट इट एज 0.4? कैन आई से पे आउट रेशो होता है वो डीपीएस अपॉन ईपीएस है, वो 40% दे रखा है, तो कैन आई राइट डी इज इक्वल्स टू 0.4E? क्या मैं लिख सकता हूं? बेटा देखिए, मुझे फॉर्मूले में डी नहीं चाहिए, डी से ही समस्या है। से पी चाहिए, ई चाहिए, एम की वैल्यू दे रखी है, तो कहना है से डिविडेंड इज इक्वल्स टू 0.4E प्लस ई बाय 3 को क्या मैं 0.3333E लिख सकता हूं, और एम की वैल्यू है 9। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 0.4 प्लस 0.3333E, इससे मिल जाएगा प्राइस इज इक्वल्स टू 0.7333E इंटू 9। आइए इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा बेटा 6.6। देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू 6.6E। तो मैं एक काम करता हूँ, पी इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू ई, देयरफॉर पी अपॉन ई इज इक्वल्स टू 6.6। नेक्स्ट, ए बी इंजीनियरिंग वाला जो मैंने क्वेश्चन वन करवाया था, सेम वैसा ही है आपकी प्रैक्टिस के लिए, देख लीजिएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेट प्रॉफिट आपको 30 लाख दे रखा है, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 1 10, कितने लाख है, 100 लाख, 1 करोड़। नेट प्रॉफिट है 30 लाख, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर है 100 लाख के, यानी 1 करोड़ के, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%। ठीक है, वॉट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट सो एज टू कीप शेयर प्राइस एट 42 यूजिंग वॉल्टर मॉडल। ये बोल रहे हैं वॉल्टर मॉडल लगाइए। वॉल्टर मॉडल बोलता है P0 इज इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के द होल डिवाइडेड बाई के। इस क्वेश्चन में कहा है वॉल्टर मॉडल लगाइए, लेकिन ऐसे लगाइए, बताइए कितना डिविडेंड हमने पे करना चाहिए, पे आउट रेशियो बताइए। प्राइस 42 रहा है, यानी इस क्वेश्चन में आपको प्राइस दिया है 42। वो बोल रहे डिविडेंड निकालो, उसे अर्निंग से डिवाइड करके पी रेशियो बताइए। ठीक है, तो मुझे डी खोज के निकालना है। अर्निंग कितना आएगा आपका? सर देखिए, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 30 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट है 30 लाख नेट प्रॉफिट। अब आपके पास प्रेफरेंस शेयर हैं 1 करोड़ रुपए के, जिसपे 12% प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, यानी आपके पास जो नेट इनकम बचेगी वो बचेगी 18 लाख। 18 लाख को 3 लाख से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अर्निंग ऑफ 6 रुपीज। आर की वैल्यू दे रखी है 20%, इसकी वैल्यू दे रखी है 16%, होल डिवाइडेड बाय 16%। डिड यू अंडरस्टैंड? व्हाट डिड आई डू? डिड यू अंडरस्टैंड? नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, आप सभी जानते हैं नेट प्रॉफिट, उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। 12 लाख रुपए बचे, 18 लाख,
अब ये 18 लाख को 3 लाख शेयर से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये देखिए 42 is equals to d plus 6 minus d into 20 upon 16% whole divided 16%, आंसर आ जाएगा 3.12। तो भैया 3.12 डिवाइडेड बाय ईपीएस 6 रुपए आ जाएगा 52% पे। पी रेशो कैसे निकालेंगे सर? पी रेशो निकाला जा सकता है, पी रेशो हमारा प्राइस कितना है 42, अर्निंग कितनी है 6, 7 times, ठीक है, या फिर 1/KE से भी निकाला जा सकता है 6.25। लेकिन पी रेशो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, प्राइस अगर मेरे को दे रखा है 42 और अर्निंग कितना है मेरा, सर मेरा अर्निंग है अभी तो निकाला था अर्निंग 6 रुपया, तो सर 7 भी आ सकता है। ऑल्सो वॉट विल बी योर आंसर इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिसिंग? हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिसिंग है तो मैं 1/PE ratio is equals to KE बोलूंगा, ठीक है, 1/PE ratio is equals to KE। देखिए 1/PE ratio, पी रेशो देखो 7 निकाला है यहाँ पे, समझ गए, तो पी रेशो 7 भी सही है, 6.25 भी सही है, पर 7 वाला ज्यादा परफेक्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, अर्निंग दे रखी है, पे आउट रेशो 60% दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, तो मेरा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 5 रुपए, मेरा डिविडेंड पर शेयर 60% यानी कि 3 रुपए, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12%, आर दे रखा है 15%, वॉट वुड बी द मार्केट प्राइस एज वेल वॉल्टर, वॉल्टर फॉर्मूला लगाना है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पूछा है तो आप बोलेंगे सिंस आर इज ग्रेटर देन के, पे आउट शुड बी 0 और उस पे आउट पर प्राइस निकालना। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हर बार आर इज ग्रेटर देन के नहीं लगाना, जब तक पूछा ना जाए तब तक लगाना नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको के दे रखा है 10%, फाइन, के 10% है, करंट ईयर अर्निंग इज 15, कैलकुलेट द स्टॉक वैल्यू, जब आपके आर 12% है, 11% है, 10% है और अलग अलग पे आउट भी दे रखे हैं, 10% पे आउट यानी 1.5, 3, 4.5, 6 एंड 7.5, तो आपका 3/5 या 5/3 का मैट्रिक्स बनेगा। 10% यानी कि कितना हो जाएगा 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, और यहाँ पर आपको 3 अलग अलग आर लेने हैं, आर 12% है, के तो 10% है, फिर से सॉल्व करना है, के कितना 11% दे रखा है, 11%, मतलब आर 12% लेना है, के 11% लेके सॉल्व। सर सेम टेबल वापस से बनेगा, जहां पर हम आर को लेंगे कितना दे रखा है, आर दे रखा है 11% और के दे रखा है 11%, फिर सेम आगे भी सॉल्व करेंगे, जहां आर दे रखा है 10%, के दे रखा है 11%, ठीक है। चलिए मैं एक तो सॉल्व करके बता देता हूं आपको, गॉर्डन लगाना है बेटा, गॉर्डन, गॉर्डन के फॉर्मूले में क्या लेंगे, सबसे पहले D1/KE-G, जी जी कैसे निकालेंगे सर, जी निकालेंगे बी इंटू आर। सर पहले वाले केस में पे आउट 10% है यानी रिटेंशन 90% है और आर 12% है, -10.8% हो जाएगा, 750 आंसर है। सर दूसरे वाले सिनेरियो में D1/KE, KE कितना ले रखे हैं इस पूरे मैट्रिक्स में 11% माइनस जी, जी कैसे निकलेगा बी इंटू आर, बी मतलब रिटेंशन रेशो, 20% पे आउट कर रहे हो तो रिटेन कितना कर रहे हो 80%, आर ले रखा है आपने 12%, यानी कि ये हो जाएगा 9.6% इट विल बी 214.2। इसका करके बताते हैं, इसका आएगा डी वन
अपॉन के माइनस जी, जी की वैल्यू कितनी आएगी, बी इंटू आर, 40% पे आउट है तो 60% रिटेंशन है, 7.2, 6, 3.2, 3.2। और देखिए दिख भी रहा है, सिंस आर इज ग्रेटर देन के, आपका पे आउट मिनिमम होना चाहिए, और जब आपका पे आउट मिनिमम है तभी आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही। सेम आपको आगे भी सॉल्व करना है, मैंने आपके आंसर निकाल के दे रखे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए आर इज इक्वल टू के, कोई भी पे आउट दो सेम आंसर आ रहा है। यहां पर आर इज लेस देन के, तीसरा वाला केस में आर इज लेस देन के, तो ऐसे समय आपका पे आउट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम पे आउट में कंपेरेटिवली ज्यादा आंसर आ रहा है। हाउ मेनी मोर, 6, 7, 2, 3 मोर क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन असेट इज 500 लाख, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 50 लाख, ओके, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%, बेटा आरओआई आपका कितना है, 15%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 500 लाख, 500 लाख पे 15% कमा रहे हो, यानी कि आपकी अर्निंग्स है 75 लाख। डिस्काउंटिंग रेट, इस चैप्टर में डिस्काउंटिंग रेट यानी कि 10% है, बी की वैल्यू 50% दे रखी है, कैलकुलेट प्राइस यूजिंग गॉर्डन मॉडल एंड सजेस्ट ऑप्टिमम पे आउट, विल योर आंसर चेंज इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टर्न्स आउट टू बी 9%, वो तो देखते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, मुझे गॉर्डन लगाने के लिए बोला, गॉर्डन का फॉर्मूला क्या है, गॉर्डन का फॉर्मूला है D1 अपॉन के माइनस जी। जरा ध्यान से देखते हैं, सर D1 तो निकाल लेते हैं, क्या के ही दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखा है 10%, और जी कैसे निकलेगा, बी इंटू आर, बी मतलब रिटेंशन रेशियो विच इज 50%, और आर दे रखा है 15%, तो ये 7.5% हो गए, बी इंटू आर। और D1 कैसे निकलेगा, सर अर्निंग है 75 लाख, ठीक है, और कुछ खर्चे दे नहीं रखे, तो सीधा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूंगा 50 लाख, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5% आंसर आ जाएगा 60 रुपीज। ये देखो, सॉरी सॉरी माय बैड बेटा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 1.5, इसका 50% आप पे करेंगे यानी कि 0.75, 0.75 आंसर आ जाएगा 30। और यहां पर मुझको आर दिख रहा है 15%, के दिख रहा है 10%, तो ऑप्टिमम पे आउट शुड बी मिनिमम एंड सजेस्ट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, मिनिमम होना चाहिए। विल योर आंसर चेंज इफ आर इज इक्वल्स टू 9%, हाँ, इफ आर इज इक्वल्स टू 9%, के इज इक्वल्स टू 10%, मैं बोलूंगा मैक्सिमम पे आउट। पर वापस से, अगर आर 9% आप बोल रहे हैं, इसका मतलब अर्निंग हो रही है आपकी 45 लाख, कैसे, 500 लाख का 9%, 500 लाख का 9% होगा 45 लाख, 45 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 0.9, पे आउट रेशियो 50% है इसलिए ये आ जाएगा 0.45। और सर क्या हमारा जी भी चेंज होगा, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर होता है, बी की वैल्यू है 50%, आर की वैल्यू है 9%, तो ग्रोथ हो जाएगा 4.5%, तो 0.45 डिवाइडेड बाय 8.18, यस 8.18, समझे ना। अगर आर चेंज हुआ आपका तो अर्निंग चेंज हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर चेंज हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर 50% पे आउट के हिसाब से डिविडेंड इतना आ जाएगा, के ही दे रखा है, जी निकलेगा, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, 50% इंटू 9%, 4.5%, तो
0.45 डिवाइडेड बाय 5.5%। याद रखना जब भी ये लोग आर को चेंज करेंगे तो आप लोगों का जी भी चेंज होगा, या फिर जब भी जी को चेंज करेंगे आर भी चेंज होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज 19.6, एडजस्टमेंट फैक्टर जो है आपका वो है 45%। इस साल आप कायदे से पे करना चाहते हो 60% ऑफ 40 रुपीज, मतलब आप इस साल 24 रुपए पे करना चाहते हो, पर उसमें से 19.6 तो देने ही वाले हैं, तो जो ऊपर के 4.4 रुपीज है उसका क्या, उसका 45% देंगे, तो टोटल आंसर 21.58 आ जाए। अब यही बोल रहे हैं इसमें 20% से कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, मतलब आप कम देने की बात कर रहे हो, 4.4 इंटू 0.2 प्लस 19.6 20.48 आएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मिस्टर, और इसके अलावा मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो देख लीजिएगा, रन थ्रू करना। मिस्टर ए इज कॉन्टेम्पलेटिंग परचेस ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज 10% बिफोर टैक्स बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड एनुअल ग्रोथ रेट 5%। तो भैया देखिए ये 10% बिफोर टैक्स एक्सपेक्ट कर रहा है और 5% ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मिस्टर ए ने क्या किया है, 1000 इक्विटी शेयर ले रखे हैं, वो बोलता है कि मुझे बिफोर टैक्स 10% रिटर्न चाहिए, आर है उसका 10%, सॉरी उसकी रिक्वायरमेंट है 10%, और एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो है 5%। द कंपनीज लास्ट डिविडेंड वॉज 2, ये D0 दे रखा है। इवन एज ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग, मिस्टर ए सडनली फाइंड ड्यू टू बजट अनाउंसमेंट डिविडेंड हैज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, बट द इम्पोजिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन द कंपनी इज लाइकली टू लीड टू फॉल इन डिविडेंड ऑफ 20 पैसा पर शेयर। तो डिविडेंड आपका कितना हो जाएगा, लीड टू फॉल इन डिविडेंड ऑफ 20 पैसा पर शेयर, वो 1.8 होने वाला है। मार्जिनल टैक्स रेट इज 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वॉट शुड बी मिस्टर एज एस्टिमेट ऑफ प्राइस बिफोर एंड आफ्टर बजट अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बोला है बिफोर एंड आफ्टर बजट अनाउंसमेंट, यहाँ पर ग्रोथ की बात करी है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे गॉर्डन का, हम बोलेंगे P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। पहले बजट से पहले की कहानी, ठीक है, हमें P0 निकालना है बजट से पहले, बजट के बाद। तो भैया बजट से पहले अगर आप देखेंगे तो 2 रुपया पे होने वाला था, एक्सपेक्टेड डिविडेंड था, सॉरी लास्ट ईयर डिविडेंड था 2 रुपया, और आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5% की, 2 प्लस 5%, मतलब आपका D1 कितना आ जाता, 2.1। आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10%, तो वो ले लिया 10% माइनस जी, सो D1 अपॉन KE माइनस G, बोले तो कितना हो जाएगा, 42 रुपीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर सर अब क्या हो गया, अब देखिए बजट अनाउंसमेंट हो गए, यहां तक तो सारी चीजें ठीक थी, वापस से पढ़ते हैं, यहां तक तो पॉइंट समझ में आ गया आपको, D0 दे रखा है, उसकी मदद से D1 निकाला, D1 अपॉन KE माइनस G कर दिया आप लोगों ने, आंसर आ गया। इवन एज ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग मिस्टर ए फाइंड ड्यू टू बजट अनाउंसमेंट डिविडेंड हैज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, अब रेसिपिएंट को टैक्स नहीं पे करना है, बट द इम्पोजिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन द कंपनी इज लाइकली टू लीड टू फॉल इन डिविडेंड ऑफ 20 पैसा पर शेयर। तो भैया यहां से समझ में आ रहा है कि आपका जो डिविडेंड है वो गिरने वाला है, वो हो जाएगा 1.8, ठीक है, 1.8, तो 1.8 प्लस 5%, यानी कि आपका D1 कितना आएगा, D1 आ जाएगा 1.89%। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, सिंपल है, पहले 2 रुपए था, उसे ग्रो करके एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.1, अभी 20 पैसा गिरने के चांसेस हैं, 20 पैसा करंट वैल्यू गिर जाएगी, 2 रुपए की जगह वो 1.8 हो जाएगा, ठीक है, 1.8 को आप ग्रो करिएगा 5% से। यहां तक समझ में आया, ठीक है, तो सर D1 तो आ गया हमारा 1.89 है ना, 1.89, सर ग्रोथ तो उतनी रहेगी 5%,
अब देखिए केई आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा ध्यान से सुनना बेटा। पहले आप बिफोर टैक्स कितना ले रहे थे, 10%, और यहां पर बोला है ए का मार्जिनल टैक्स है 30%। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है? इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए को ये सारी एडजस्टमेंट्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आने से पहले 10% बिफोर टैक्स की उम्मीद थी, और तब डिविडेंड उसके हाथ में टैक्सेबल था और उसको टैक्स लगता था 30%, यानी कि उसकी जेब में कितने रुपए आते थे, उसकी जेब में आते थे मात्र 7%। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लाने से पहले मिस्टर ए के हाथ में 10% दे देते थे, वो 30% टैक्स ब्रैकेट में था, मतलब कुल मिला के उसको 7% ही आते थे। अब इसके ऊपर से टैक्स हटा दिया गया है। मुझे बताइए, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से पहले इसकी जेब में 7% ही आता था, आज कंपनी टैक्स बियर कर रही है तो ये कितना एक्सपेक्ट करेगा कि कंपनी तुम 7% दे दो तो भी चलेगा? क्योंकि अब तो भैया तुम मुझे कोरा कोरा 7% भी दे दोगे ना, मुझे चलेगा, क्योंकि मेरे हाथ में टैक्स नहीं लगने वाला। पहले क्या हो रहा था, पहले ये कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी तू 10% दे क्योंकि हमको टैक्स लगने वाला है 30%, मतलब मेरी जेब में तो 7% ही आएगा। पर अब क्योंकि कंपनी टैक्स पे कर रही है तो तुम बोलोगे 7% भी दोगे तो चलेगा। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हुआ ये था कि यूअर D1 वॉज 2.1, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10% बिफोर टैक्स की बजाय 10% दे दो क्योंकि मेरे पास घर पे आते आते हो 7% हो जाएगा, -5% आपका आंसर आ रहा था 42। पर अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लाने के कारण मार्केट में थोड़ी हलचल हुई, शेयर प्राइस 20 पैसे से गिर के 1.8 हो गए, यानी आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1.89 होगा। ग्रो किया उसे, ग्रोथ तो 5% ही है। अब यहाँ पर केई कितना आएगा? पहले आप 10% क्यों मांगते थे पता है? क्योंकि 30% टैक्स कटने के बाद आपके जेब में 7% आते थे। अब जब कंपनी ही 30% टैक्स, 40% टैक्स, 10% टैक्स जो भी है कंपनी पे कर रही है, तो आप बोलोगे ठीक है, जब तुम टैक्स पे कर रहे हो, मेरे पास पहले टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आती थी, मेरे जेब में 7% होता था, अब तुम टैक्स पे कर रहे हो, मुझे टैक्स पे करना नहीं है, इसलिए तुम मुझे 7% दे दो चलेगा। तो पहले के जो 10% थे उस पे वो टैक्स पे करके, 30% टैक्स पे करके घर पे सिर्फ 7% ही ले जाता था। आज वो बोल रहा है क्योंकि तुम टैक्स पे कर रहे हो ऑलरेडी, तुम सारा पैसा पे कर रहे हो, तुम खर्चा बेयर कर रहे हो, तो मुझे सीधा वही 7% दे दो। वन पॉइंट एट नाइन डिवाइडेड बाय 2%, 94.5। ठीक है, चल, वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेशियो एनालिसिस।